लोकसभा चुनाव हारने वाले सांसदों को लगा बड़ा झटका। पूर्व सांसदों की बढ़ी मुश्किल, चुनाव में हार के बाद गिरी गाज। हाउसिंग कमेटी ने हारे हुए सांसदों और मंत्रियों को भेजा नोटिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 2024 लोकसभा में हारे हुए सांसदों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तो ये लोग पहले ही चुनाव हार गए हैं, ऊपर से अब एक सरकारी फरमान ने इन पूर्व सांसदों की रातों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। खबर है कि करीब 50 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को दिल्ली में अपने सरकारी बंगले को खाली करने को कह दिया गया है। इस लिस्ट में यूपी के 6 सांसद शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हार गए या फिर लड़े ही नहीं। पिछली लोकसभा के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की ओर से इन्हें सरकारी बंगला मुहैया करवाया गया था। अब ऐसे नेताओं को अगले 2-3 हफ्तों में बंगले खाली करने होंगे। बंगले खाली हो जाने के बाद उन्हें नए मंत्रियों और सांसदों को मुहैया कराया जाएगा। जिन सांसदों को नोटिस जारी किया गया है उसमें अर्जुन मुंडा, आर के सिंह, संजीव बालियान, स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अजय मिश्रा टेनी, वी मुरलीधरन, निशित प्रमाणिक, साध्वी निरंजन ज्योति, राव साहिब दानवे, भानु प्रताप वर्मा, कपिल पाटिल, भारती पवार, सुभाष सरकार और भगवंत सूबा का नाम शामिल है। इसके अलावा हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। इन मंत्रियों के पास 11 जुलाई तक बंगला खाली करने का समय है। इस बाबत उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं कई मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव तो जीत गए लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, ऐसे में उन्हें भी बंगला खाली करना होगा। अगर बात पशुपति पारस की करें तो उन्होंने नाराज होकर पिछली सरकार को इस्तीफा दे दिया था लेकिन वो अभी भी सरकारी बंगले में काबिज है। हालांकि बाद में उनकी नाराजगी दूर हो गई थी और उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने का फैसला किया था। नियम के मुताबिक पुराने मंत्रियों और सांसदों को 1 महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है, क्योंकि जब ये लोग चुनाव हार जाते हैं तो उनके पास ना तो कोई मंत्रालय रहता है ना ही सांसदी। जानकारी के मुताबिक पूर्व सांसदों को 5 जुलाई और पूर्व मंत्रियों को 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा करना सामान्य प्रक्रिया है। साथ ही मंत्रिपरिषद में जब बदलाव होता है तब भी ऐसा किया जाता है, जिसके बाद ऐसी उम्मीद है कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया वो नए सांसदों और मंत्रियों के लिए बंगला खाली कर देंगे। क्योंकि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है और नव निर्वाचित सदस्य 24 से 25 जून को शपथ लेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।